द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 आपने अक्सर न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो है कुछ किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने आज स्ट्राइक पे चले गए हड़ताल पे चले गए या फिर कंपनी ने जो है लॉकआउट कर दिया कंपनी बंद कर दी या फिर होता है कि आप सुनते होंगे ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट वर्ड सुनते होंगे यानी कि कंपनी ने क्या किया अपने यहाँ पर छटनी कर दिया बिना ही इंफॉर्मेशन के लोगों को अपने हाथ से जॉब से निकाल दिया तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होते हैं यानी कि वहाँ पर होते हैं झगड़े होते हैं और अगर ये इंडस्ट्रियल कि डिस्प्यूट होता है तो उससे रेगुलेट तो करने के लिए इंडस्ट्रीज में ये एक्ट जो है पास किया गया था द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फोर्टी सेवन दैपिटलिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स या फिर यूनियन ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी कि का अपना ओपिनियन होता है और जो एम्प्लॉयर होते हैं या फिर जो कैपिटलिस्ट होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं उनका अपना ओपिनियन होता है अब दोनों का ओपिनियन जब डिफरेंट रहेगा तो कही न कहीं ना कहीं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा लीड्स अ लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग एंड विद इन बोथ ऑफ दिस ग्रुप तो इंप्लॉयर और इंप्लॉय के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर रहता है और इस टाइप के इशूज जो है वो गवर्नमेंट के अटेंशन में आए फिर गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए एक्ट बनाकर पास कर दिया क्लियर दिस एक्ट वॉज फॉर्म्ड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग पीस एंड हारमोनी टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज एंड सॉल्विंग इशूज इन अ पीसफुल मैनर तो ये एक्ट किस लिए आया था मेनली तो मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का ये एक्ट था कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटी और हारमोनी और पीसफुल तो में पीस और हारमोनी को मेंटेन रखना और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को जो बिटवीन पार्टीज हैं उसको पीसफुल मैनर में सॉल्व कर लेना यही जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन फोर्टी का मेन ऑब्जेक्टिव था और यह जो एक्ट है यह केम इन फोर्स ऑन फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन

एम्प्लॉय को वर्कमैन को कॉल कर रहा है जॉब के लिए वो चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए हो चाहे सर्विस के लिए हो चाहे हैंडीक्राफ्ट का हो चाहे इंडस्ट्रियल हो वो सभी चीज़ इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं एवोकेशन का मतलब होता है मायने या फिर हॉबी ऑक्यूपेशन यानी कि जो छोटा ऑक्यूपेशन होता है फिर अपनी हॉबी की वजह से वो जॉब करते हैं तो एवोकेशन उसको कहा जाता है तो किसी भी पर्पज़ से आप जो है अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को कॉल कर रहा है उनको जॉब दे रहा है उनसे काम करवा रहा है तो वो इंडस्ट्री में आ जाते हैं क्लियर वहीं पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या हुआ सेक्शन टू के के में डिफाइन किया गया है Industrial dispute is any dispute of difference between employers and employers. और बिटवीन इम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या होता है कि देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कोई एक बिजनेसमैन तो काम नहीं कर रहा होता है बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वहाँ पर बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक एम्प्लॉयर का दूसरे एम्प्लॉयर से कोई डिस्प्यूट हो जाना एक एम्प्लॉयर का अपने वर्कमैन या फिर एम्प्लॉय से डिस्प्यूट हो जाना या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में ही डिस्प्यूट हो जाना

काम करना बंद कर देंगे तो स्ट्राइक कर देना काम करना जैसे बैंक में अभी आपने देखा कि बैंक वाले बैंक बंद करके स्ट्राइक पे चले गए तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया स्ट्राइक स्ट्राइक जो है कई टाइप के हो सकते हैं सिंपैथेटिक स्ट्राइक हो सकता है जहां पे किसी दूसरे वर्कर को सपोर्ट करने के लिए भी आप स्ट्राइक कर देते हो तो इस टाइप के स्ट्राइक को हम क्या कहते हैं सिंपैथेटिक स्ट्राइक कहते हैं यानी कि बैंक वाले जो है स्ट्राइक कर रहे थे तो उनको देख के मैंने भी स्ट्राइक कर दिया क्यों हम बैंक वाले को सपोर्ट कर रहे हैं तो सिंपैथेटिक स्ट्राइक जनरल स्ट्राइक फॉर द कॉमन डिमांड ऑफ वर्कर कंसर्न यानी किसी एक इंडस्ट्री में जो कॉमन डिमांड होती है उसके सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्राइक का तो जनरल स्ट्राइक होता है सिट डाउन स्ट्राइक सिट डाउन स्ट्राइक में क्या होता है कि वर्कर स्टॉप डूइंग द वर्क बट आल्सो डू नॉट लीव द प्लेस ऑफ वर्क यानी कि वर्कर जो है काम नहीं करेंगे लेकिन ऑफिस जाएंगे ऑफिस में जाएंगे वहां बैठेंगे लेकिन कोई भी काम नहीं करेंगे तो उसको कहते हैं सिट डाउन स्ट्राइक इट इज ऑल्सो नॉन एज टूल डाउन और पेन डाउन स्ट्राइक इसको टूल डाउन यानी कि हथियार को नीचे रख देना या फिर पेन डाउन स्ट्राइक यानी कि अगर आप ऑफिस पर्पज से हो तो वहां पर पेन नहीं उठाओगे आप काम नहीं करोगे तो सिट डाउन स्ट्राइक हो गया एक तरीके से स्लो डाउन स्ट्राक हो गया यहां पे स्लो डाउन यानी कि काम करने की गति को काम करने की स्पीड को आप कम कर दोगे तो स्लो डाउन स्ट्राइक कहते हैं एक दिन में आप जो है पचास यूनिट बनाते थे आप जो है पच्चीस यूनिट बना रहे हो तो स्लो डाउन स्ट्राइक सिक आउट या सिक इन सिख आउट सिक इन क्या होता है कि यहां पे क्या होगा कि सारे लोग एक ही दिन छुट्टी ले लोगे और कौन से बेसिस पे कि सिक लीव सभी को सिक लीव मिलती है और सभी ने एक ही दिन सिक लीव लगा के जो है छुट्टी ले ली तो इसको भी क्या कहते हैं एक तरीके का स्ट्राइक आता है भाई एक ही दिन सारे लोग कैसे सिक हो सकते हैं बीमार हो सकते हैं नहीं हो सकते लेकिन स्ट्राइक करने का एक तरीका होता है दूसरा है लॉकआउट लॉकआउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में लॉकआउट भी होता है लॉकआउट यानी स्टेप टेकन बाय द एम्प्लॉयर टू पुट प्रेशर ऑन द वर्कर तो ये नॉर्मली क्या होता है एम्प्लॉय द्वारा किया देखिए स्ट्राइक किसके द्वारा होता है एम्प्लॉय के द्वारा

लॉकआउट तीसरा कर लेना, जैसे कि भी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन हो रहा है तो वहां पे वो दिल्ली को विधानसभा को घेराव करते हैं तो घेराव यानी कि एक्शन टेकन बाय वर्कर्स अंडर विच द रेस्ट्रिक्ट इंप्प्लॉय टू लीव द वर्क परमेसेज और रेजिडेंस यहां पे क्या होता है घेराव कर लेना जहां पे भी काम हो रहा है वहां पे जो है एम्प्लॉयर को उसी के चौदरफ से निकलने बाहर ही निकलने देना घेराव करके बैठ जाना है कि जब तक आप हमारी बातें नहीं मानोगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे हम घेर के रखेंगे इस चीज़ को किसी प्रेमाइसिस को ठीक है तो या आपके रेजिडेंस को आपके घर को तो उसको कहते हैं घेराव करना ये इलीगल एक्ट है याद रखिए घेराव करना इलीगल एक्ट है पीकेटिंग पीकेटिंग क्या होता है वैन वर्कर्स आर नॉट अलाउड टू रिपोर्ट फॉर द वर्क बाई डिप्यूटिंग सम मैन एट द फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री खुली रहेगी लेकिन आपको रोक दिया जाएगा आप यहाँ से कॉलेज ऑफिस के अंदर नहीं जा सकते हैं तो इसको कहते हैं पिकेटिंग इफ पिकेटिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी वायलेंस अगर पिकेटिंग में आप जो कोई भी वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होते तो वो जो है लीगल माना जाता है यानी कि आपको रोक दिया गया है आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आपने एम्प्लॉयर के टर्म्स और कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो पिकेटिंग ये भी है टिंग होता है तो ये क्या है फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल यानी कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ तो स्ट्राइक हो सकती है जो कि एम्प्लॉय करता है लॉकआउट हो सकता है जो कि एम्प्लॉयर करता है घेराव हो सकता है जो जो कि एम्प्लॉय है वर्क प्लेस को जाके घेर लेते हैं पिकेटिंग हो सकता है जहां पे एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय को अंदर आने नहीं देगा तो ये क्या कब होता है जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं तो अब बात कर लें इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की तो ये एक्ट जो है एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे इंडिया पर यह एक्ट एप्लीकेबल है अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल क्या ंग ऑन एनी बिजनेस ट्रेड मैनुफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसज इर रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉड देयर इन यानी कि सभी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट्स पर एप्लीकेबल होता है चाहे वो बिजनेस कर रहे हो चाहे वो ट्रेड कर रहे हो चाहे वो मैनुफैक्चरिंग कर रहे हो चाहे वो गुड्स और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो यानी कि आपके यहाँ पर कितने वर्कमैन जो है एम्प्लॉयड हैं उससे मतलब नहीं है चाहे आप एक जो है एक एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं चाहे दस एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है अगर आप ये बिजनेस ट्रेड मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स से सर्विसेज कर रहे हो किसी भी टाइप का इंडस्ट्री स्टाब्लिशमेंट है आपका तो आपके ऊपर एक जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ये एप्लीकेबल होगा एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इस्टब्लिशमेंट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबल अप्रेंटिससेज एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयज टू डू एनी मैनुअल क्लरिकल स्किल्ड अनस्किल्ड टेक्निकल ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी वर्क इज़ कवर्ड बाय द एक्ट यानी कि कोई भी पर्सन अगर किसी स्टैब्लिशमेंट द्वारा एम्प्लॉय किया गया है और वो चाहे वो लेबर हो चाहे हो चाहे वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो वो चाहे क्लर्क का काम करता हो चाहे वो स्किल्ड एम्प्लाई हो चाहे वो अनस्किल्ड एम्प्लाई हो चाहे वो टेक्निकल इंप्लाई हो चाहे वो ऑपरेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करा है चाहे सुपरवाइजरी का काम कर रहा है वो जो है इस एक्ट में कवर किया जाएगा क्लियर अब बात कर ले इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव की यानी कि एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है तो मेन ऑब्जेक्टिव आपने पहले ही देख लिया कि इंडस्ट्री में पीस और हारमोनी को मेंटेन रखना है और जो भी डिस्प्यूट है उनको पीसफुली सॉल्व करना है उसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो टू इंकरेज गुड रिलेशन बिटवीन लेबर एंड इंडस्ट्री ज एंड प्रोवाइड अडियम ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट थ्रू एजुडिकेटर अथॉरिटीज यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया यहाँ पर इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव उसके अलावा जो अदर ऑब्जेक्टिव में आ गए तो यहाँ पर लेबर इंडस्ट्री के बीच में एक अच्छा रिलेशन को मैंटेन रखना और जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको जो है उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करना जिससे उन डिस्प्यूट को सेटल किया जा सके थ्रू प्रोवाइड अ कमिटी फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन इंडस्ट्री एंड लेबर विद द राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाई ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और बाय एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पर पर जो, है एक भी जो है आपको प्रोवाइड की जाती है, इस के कि आप जो है अपने डिस्प्यूट्स को हाँ रिजॉल्व कर सकें प्रिवेंट बिना मतलब बंद हो, हो जा रही है उससे उसको रोकने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है आया रीच आउट टू लेबर दैट हैज बीन लेड ऑफ अनराइटफुली डिस्मिस्ड यानी ऐसे इंप्लॉयर ऐसे लेबर के पास पहुंचना ऐसे इंप्लॉय के पास पहुंचना जिनको जबरदस्ती -जब -जब ले ऑफ कर दिया गया है निकाल

एक्ट प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल तो जब भी कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो ये जो फॉलोइंग यहाँ पर सेवन आप जो है कमेटी या फिर ट्रिब्यूनल्स देखेंगे जिनके जरिए जो है इन्वेस्टिगेशन करके डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है तो वर्क कमेटी होती है कौंसिलेशन ऑफिसर होता है बोर्ड ऑफ कौंसिलेशन होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लेबर कोर्ट लेबर ट्रिब्यूनल जिसको हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी के नाम से भी जानते हैं और वहीं पर नेशनल ट्रिब्यूनल ये होता है तो ये सात जो है अथॉरिटीज होती हैं इस एक्ट में जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वर्क कमेटी तो वर्क कमेटी सेक्शन थ्री में डिस्कस किया गया है कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंप्लॉयर्स एंड वर्कमैन तो यहां पर क्या होता है कि ये जो वर्क कमेटी होती है इंडस्ट्री के लेवल पर होती है तो यहां पर जो है एम्प्लॉयर और वर्कमैन यहां से उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है इस वर्क कमेटी में होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क कमेटी इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम अराइजिंग इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ अ कंसर्न एंड टू सिक्योर इंडस्ट्रियल हार्मोनी तो वर्क कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो डे टू डे डिस्प्यूट्स हो रहे होते हैं उसको सॉल्व कर ले रहा है यानी कि हाथों हाथ तुरंत के तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे जैसे कि इंडस्ट्री में हार्मोनी मेंटेन रहे द फंक्शन ऑफ द वर्किंग कमिटी इज टू असरटेन द ग्रेवियां ऑफ द इम्प्लॉयज एंड टू अराइव एट सम एग्रीमेंट तो वर्क कमेटी का मेन रोल क्या होता है कि अगर किसी भी इम्प्लॉयज को कोई ग्रेवियांस है तो उसको तुरंत जो है उसको सुनकर उसको जो है सॉल्व करने की वहाँ पर कोशिश करना फॉर्म्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन एंड इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट इन विच हंड्रेड और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और हैव बीन एम्प्लॉयड और एनी डे इन द प्रसिडिंग ट्वेल्थ मंथ ट्वेल्थ मंथ तो यहां पर क्या है कि जो वर्क कमेटी होती है ये नॉर्मली जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा और ऐसे इंडस्ट्री में फॉर्म करने के लिए दिया जाता है जहां पर सौ या सौ से अधिक जो है एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं या फिर पिछले साल में काम कर चुके हों तो वहां पर जो है आपको वर्क कमेटी बनाना होता है इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन इंगेज इन द दब्लिसमेंट तो यहाँ पर वर्क कमेटी में कौन कौन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो होते हैं यानी कि वर्कमैन होते हैं

जुडिशियल नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव होती है ऑफिसर जो है रिपोर्ट क्या करेगा रिपोर्ट जो हो, है भेजता है होल्ड काउंसिलेशन प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड डू ऑल सच थिंग एज ई थिंग्स फिट फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग दर्टीज टू अराइव एट ए फेयर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट तो यानी कि यह क्या करता है कि यहाँ पर कौंसिलेशन प्रोसीडिंग करेगा इन्वेस्टिगेट करेगा डिस्प्यूट्स को और वो सारी चीजें करने की कोशिश करेगा जिससे कि सेटलमेंट हो सके डिस्प्यूट का द रिपोर्ट बाई द कांसिलेशन ऑफिसर हैज़ टू बी सबमिटेड विद इन फोर्टीन डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग और शॉर्टर पीरियड एज में प्रिस्क्राइब बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो जो रिपोर्ट है उस कौंसिलेशन ऑफिसर को फोर्टीन डेज के अंदर या फिर उससे जल्दी ही सबमिट करना होता है द कांसिलेशन ऑफिसर हैज़ द पावर to enter the premises as well. कैन कॉल फॉर एंड इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट तो जो कौंसिलेशन ऑफिसर होता है उसके पास पावर होती है कि वो जो है किसी भी प्रमाइसिस में जाकर इन्वेस्टिगेट कर सके यानी कि जहां के लिए उसको बोला गया वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट कर सके और जो भी उसको डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर जिसको भी जिस भी वर्कमैन या फिर एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर को बुलाकर इन्वेस्टिगेट करना है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है वहीं पर तीसरा है बोर्ड ऑफ कौंसिलेशन यानी कि सेक्शन फाइव में तो कौंसिलेशन ऑफिसर में क्या होता है एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया वो जाकर अपना करता है अब एक से काम नहीं होता है यहाँ पर बोर्ड ऑफ कौंसिलेशन यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ of a chairman and two or four other members in equal number. रिप्रेजेंटिंग दी पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट एज दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक फिट तो यहाँ पे एक काउंसिलेशन ऑफिसर होता है यानी कि चेयरमैन होगा और चेयरमैन के साथ दो या फिर चार एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसको पार्टीज़ को जो भी डिस्प्यूट्स में यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लोगों को वो रिप्रेजेंट करेंगे दो दो दोनों तरफ से होंगे दो एम्प्लॉय तो दो एम्प्लॉय uh, के साइड से होंगे या फिर एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के साइड से होगा क्लियर तो यहाँ पर चेयरमैन के साथ दो या चार जो है मेम्बर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्यूट पार्टीज से क्लियर द चेयरमैन शैल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन तो जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट पर्सन हो चाहिए भाई दो या चार जो मेंबर हैं वो तो पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भी डिस्प्यूट्स में हैं वहीं पर जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा और वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो पर्सन होता है चेयरमैन होता है वो रिपोर्ट और मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सेंड करता है हैज़ टू सेंड अ फुल रिपोर्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिंग फॉर द स्टेप टेकन बाय द बोर्ड इन केस नो सेटलमेंट इज राइट एड यानी कि अगर कोई सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो उस केस में पूरी रिपोर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजना होता है बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन को वहीं पे बोर्ड ऑफ कौंसिलेशन को दो महीने के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होती है सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन टू मंथ्स ऑफ द डेट ऑन विच द डिस्प्यूट वाज रिफर्ड टू इट तो जिस दिन से डिस्प्यूट जो है बोर्ड्स ऑफ कौंसिलेशन को भेजा गया था उस दिन से दो महीने के अंदर जो है रिपोर्ट को सबमिट करना होता है उसके बाद है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन सिक्स द कोर्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेम्बर वन ऑफ होम शैल बी अपॉइंटेड बाई दी चेयरमैन तो यहाँ पर क्या होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक चेयरमैन होता है और वो चेयरमैन जो है दो या दो से अधिक मेंबर को जो है वहाँ पे वो रिक्रूट करता है विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ द कोर्ट हैज टू सेंड अ रिपोर्ट देयर ऑन टू द अप्रोप्रियट गवर्नमेंट फ्रॉम द ऑफ इट्स एनी इंक्वायरी तो जिस दिन से इंक्वायरी शुरू करता है उसके छः महीने के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को जो है अपनी रिपोर्ट जो है अप्रोप्रियट गवर्नमेंट को भेजनी पड़ती है और इस पीरियड को जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है इसको मैंडेटरी नहीं है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यहाँ पर क्या होता है कि एक चेयरमैन होगा और चेयरमैन जो है दो या दो से अधिक मेंबर को जिसको वो चाहे वो वहाँ पे रिक्रूट कर सकता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वहीं पे देन आता है लेबर कोर्ट लेबर कोर्ट सेक्शन सेवन में डिस्कस किया गया है तो कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो लेबर कोर्ट में क्या होता है कि कोई एक पर्सन को गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है और वो लेबर कोर्ट में जो एक पर्सन होगा वो कौन होगा तो ए पर्सन शैल बी प्रिडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेबर कोर्ट अनलेस ही इज और हैज बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट यानी कि वो पर्सन या तो रह चुका हो या तो है क्या जज ऑफ हाई कोर्ट ही हैज फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन थ्री इयर्स बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जो पर्सन है वो या तो तीन साल तक तीन साल के लिए कम से कम तीन साल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो या फिर ही हैज़ हेल्ड एनी जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन सेवन ईयर यानी कि उस पर्सन ने कम से कम सात साल के लिए किसी जुडिशियल ऑफिस पे जो है काम कर लिया हो या फिर ही हैज़ बीन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट फॉर नॉट लेस देन फाइव ईयर यानी कि कम से कम पांच साल तक के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में उसने लेबर कोर्ट में काम किया हो और साथ ही साथ ही मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड दी एज ऑफ सिक्सटी फाइव ईयर यानी कि उस पर्सन का उस इंडस्ट्री से कोई भी लेना देना ना हो और साथ ही साथ उसकी एज सिक्सटी फाइव ईयर से ज्यादा ना हो तो यहाँ पर जो है वो लेबर कोर्ट में वो पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है वहीं पर बात कर लें लेबर ट्रिब्यूनल की तो लेबर ट्रिब्यूनल्स सेक्शन सेवन ए में डिस्कस किया गया है कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाई लेबर ट्रिब्यूनल में भी जो है एक पर्सन होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा लेकिन यहां पर जो है यहां पर दो पर्सन जो है एज एसेसर दिए जाते हैं जो कि एडवाइस करते हैं इस पर्सन को तो द पर्सन सेल नॉट बी क्वालिफाइड अनलेस यानी कि यहां पर जो सिंगल पर्सन जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर है लेबर ट्रिब्यूनल में उसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो ही इज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट यानी कि वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का इससे पहले जो आपने लेबर कोर्ट देखा लेबर कोर्ट में या तो हो या वो रह चुका हो यहां पर ही इज ए जज ऑफ हाई कोर्ट वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए एंड ही हैज फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन थ्री ईयर्स बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि उसने तीन साल तक कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम किया हो और द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे इफ इट सो थिंक फिट मे अपॉइंट टू पर्सन एज अस टू एडवाइज द ट्रिब्यूनल इन दी प्रोसीडिंग बिफोर इट तो यहां पर दो असेसर को जो है अपॉइंट किया जा सकता है वो भी कौन करेगा गवर्नमेंट करेगा जो कि एडवाइस करेंगी लेबर ट्रिब्यूनल को क्लियर वहीं पर नेक्स्ट है नेशनल ट्रिब्यूनल सेक्शन सेवन बी में डिस्कस किया गया है तो आर एन involve only in case of the questions of national importance or if they are

ट्रिब्यूनल को यहां पर कौन अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है क्लियर तो नेशनल ट्रिब्यूनल जब नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है जिसकी वजह से नेशन नेशन पे पे जो है वहाँ पर डिस्प्यूट का इफेक्ट पड़ने वाला है तो उस केस से जो है क्या होगा नेशनल ट्रिब्यूनल पर बनाया जाता है अब बात कर लें प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अथॉरिटीज तो सेक्शन इलेवन में प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अथॉरिटीज के बारे में डिस्कस किया गया है तो एवरी काउंसिलेशन ऑफिसर और मेंबर ऑफ अ बोर्ड और कोर्ट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग नोटिस कैन एंटर दी प्रिमाइसिस ऑक्यूपाइड बाय एनी इस्टेब्लिशमेंट टू विच द डिस्प्यूट रिलेट एंड फॉलो सच प्रोसीजर एज द आर्बिट्रेटर और अदर अथॉरिटी कंसर्न में थिंक फिट तो यहां पर क्या है कि यहाँ पर जो है कौंसिलेशन uh, ऑफिसर को या फिर मेंबर ऑफ बोर्ड या कोर्ट या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल के जो होते हैं उनको ये हक होता है कि वो जो भी डिस्प्यूट जिस भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट है जिस भी में डिस्प्यूट है वहाँ पर वो उस, उसके प्रमाइसिस में जा सकें और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो वहाँ पर वो ले सकते हैं दे हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइनटीन जैसे कि इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एक्सम

स्पेशल नॉलेज ऑन दैट मैटर तो असेसर या फिर जो असेसर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है द कांसिलेशन ऑफिसर में इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन और कॉल फॉर एंड इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट तो ये जो है उनके राइट हैं पहले हमने डिस्कशन लिया द कौंसिलेशन बोर्ड लेबर कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल हैज़ द फुल पावर टू डिटरमाइन टू वॉट एक्सटेंड बाई होम और सब्जेक्ट टू वॉट कंडीशन कॉस्ट आर टू बी पेड यानी कि जो भी कॉस्ट होगा वो कौन पे करेगा कितना पे करेगा कैसे पे करेगा किस एक्सटेंड तक पे करेगा वो डिसाइड कौन करेगा वो इन अथॉरिटीज़ को वहाँ पर उनके पास पावर होती है क्लियर अब बात कर लें कि पर्सन ऑन होम सेटलमेंट्स एंड अवार्ड्स आर बाइंडिंग तो सेक्शन 18 में इसको डिस्कस किया गया है देखिए अवार्ड्स या सेटलमेंट का मतलब कि जो भी डिसीजन आया है उसको कौन फॉलो करेगा सेटलमेंट एंड अवार्ड्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल दी पार्टीज अंडर द एग्रीमेंट अराइव्ड एट बिटवीन द इंप्लायज एंड वर्कर्स इन द कोर्स ऑफ कौंसलेशन प्रोसीडिंग तो जो कोर्स ऑफ कौंसलेशन प्रोसीडिंग था उसमें जो सेटलमेंट होता है जो भी अवार्ड होता है उसको सभी लोग जो पार्टी डिस्प्यूट्स में है चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वर्कर्स हो उनको फॉलो करना पड़ेगा उनको मानना पड़ेगा एंड आर्बिट्रेशन अवार्ड इज बाइंडिंग ऑन द कंसर्न पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट हु डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन ऑन ऑल अदर पार्टीज यानी कि वो सभी लोग इन दोनों लो को तो जिन, जो डिस्प्यूट में थे जिनके बीच में डिस्प्यूट था उनको तो फॉलो करना ही है साथ ही साथ डिस्प्यूट उस में अदर जिनको समन किया गया था उनको भी जो है इस अवार्ड को या फिर सेटलमेंट को बाइंड हैं वो उनको भी फॉलो करना पड़ेगा मानना पड़ेगा क्लियर अब अगर ये सेटलमेंट या फिर जो अवार्ड है उसको आप नहीं मानते हो तो वहां पर जो है आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी सेक्शन इन में इसको डिस्कस किया गया है पेनल्टी क्या है पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट एक्सटेंडिंग टू सिक्स मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ प्लस एन एडिशनल फाइन ऑफ रुपीज़ टू हंड्रेड पर डे इफ ब्रीच कंटिन्यूज आफ्टर कन्विक्शन तो यहाँ पर क्या है कि जब आपको सेटलमेंट हो गया जब अवार्ड हो गया यानी कि डिसीजन हो गया और आप फॉलो नहीं करते हो तो उस केस में आपको जो है छः महीने की जेल हो सकती है साथ ही साथ आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों चीज़ें और साथ ही साथ एडिशनल फी जो है दो सौ रुपये पर डे दे, आपको देना पड़ेगा जब तक कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं क्लियर वहीं पर सेक्शन ट्वेंटी सिक्स के वन में कहा गया है कि ई लीगल स्ट्राइक्स बाई ए वर्कमैन अगर आप ई लीगल स्ट्राइक करते हो आप एम्प्लॉई हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और आप जो है इलीगल स्ट्राइक करते हो तो उस केस में आपके ऊपर फाइन लगेगा क्लियर क्या फाइन लगेगा इम्प्रिजमेंट ऑफ वन मंथ एंड और फाइन अप टू रुपीज फिफ्टी पचास रुपए का फाइन और प्लस आपको जो है एक महीने की जेल वहां पर हो सकती है अगर आप इलीगल स्ट्राइक करते हो वहीं पर सेक्शन ट्वेंटी के टू में कहा गया है कि इलीगल लॉकआउट अगर एम्प्लॉयर है वो बिना किसी नोटिफिकेशन के जो है अपने कंपनी को बंद कर देता है अपने स्टेब्लिशमेंट को बंद कर देता है तो उस केस में उसको एक महीने की जेल और एक एक हजार रुपए का फाइन या फिर दोनों ही लगेगा वहीं पे सेक्शन 28 में कहा गया कि फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अ स्ट्राइक यानी कि किसी स्ट्राइक के लिए अगर कोई चीज कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है तो उस केस में भी जो है वहां पर फाइन लगेगा एनी पर्सन हु नोइंग expend or applies any money in direct furtherance or support of any इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट तो उस केस में जो है वहाँ पर छः महीने की जेल और प्लस एक हज़ार रुपये का वहाँ पर फाइन या फिर दोनों ही उसके ऊपर लगेगा वहीं पे सेक्शन ट्वेंटी फाइव के क्यू में कहा गया है कि ले ऑफ़ और रिट्रेंचमेंट विदाउट प्रायर परमिशन यानी कि अगर जो कंपनी है इस्टैब्लिशमेंट है वर्क वर्क जो एम्प्लॉयर है वो ले ऑफ करता है फिर रिट्रेंचमेंट करता है बिना किसी प्रायर नोटिस के तो उस केस में वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसको एक महीने की जेल और प्लस एक हज़ार रुपये का फाइन या फिर दोनों या फिर दोनों में से कोई एक जो है ऊपर लगाया जा सकता है एज अ पेनल्टी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे 1947 में इसमें स्ट्राइक इस लॉकआउट ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट चार टर्म है जिसको हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है उसको आप जरूर देख लेंगे यू ऑल द बेस्ट कीप पॉचिंग